गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में आचार संहिता कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन की जांच टीम पूरी तरह से सक्रिय है। शुक्रवार को विजय चौराहे पर एसएसटी की टीम जांच कर रही थी। इसी दौरान सीएमएस कंपनी के वैन को रोककर पूछताछ की गई तो उसमें 46 लाख रुपए बरामद हुए। जांच टीम ने जब वैन में मौजूद कर्मचारियों से रुपए के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेटिक मजिस्ट्रेट अमरेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। जांच को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आयकर विभाग को सौंपा जा रहा है। वहीं आयकर विभाग द्वारा कर्मचारियों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि ये कर्मचारी अलग अलग एटीएम में रुपए डालने के लिए निकाले थे। कर्मचारियों के कथन के अनुसार जांच की गई। जांच में कर्मचारियों का कथन सत्य पाया गया, जिसके बाद उन्हें वैन और पैसों के साथ आयकर विभाग द्वारा छोड़ दिया गया। इधर से गिन लो, सही गिन के बताओ पूरा। जब सर तो मिलता पैसा इन लोगों को, ओके बाद में पूरी कार्रवाई कर जाएगा। पूरा पैसा है ना? हाँ, वो तो जमा होने के बाद बहुत पापड़ के पूरा है ना डिटेल। हाँ सर, मिल लिए है 500 और 2500। कितना आई? 10 लाख। हाँ 10 लाख। चलो सुन लें, ये कितना है? ये 20 लाख। और नहीं देख सकते? हाँ नहीं देख लीजिए, दिखाओ। कारीगर कहाँ है? सिनेमा रोड के अंदर में गली। I should tell you.
चंद्रकांत लालपुर पंडित हुआ कि नहीं हुआ हम लोग यहाँ गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दृष्टिगत स्टेटिंग मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। हम लोग गाड़ियों के यहाँ सघन चेकिंग सुबह से कर रहे थे। एक गाड़ी सीएमएस कंपनी की थी, उसको हम लोग चेक किए तो उसमें से 30 लाख रुपया उसने बताया कि गाड़ी में है, उसका रसीद दिखाया। उसके बाद हम लोग पूछे गाड़ी में और पैसा हो तो बताओ, कहा नहीं इतना ही है। तो हम लोगों ने जो है उसको फिर चेक किया कायदे से, उसमें से 16 लाख रुपया लगभग उसने और बताया क्या होगा। हमने उसका पेपर मांगा तो उसका पेपर नहीं दिखा पाया कि मामला 10 लाख से ऊपर का था। इस वजह से आयकर विभाग से संपर्क किया गया और उसकी विस्तृत जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम लगी हुई है और कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? 30 लाख रुपये का उसने रसीद दिया, बाकी 16 लाख की रसीद नहीं थी। हम लोगों को आदेश है कि अगर बिना प्रॉपर पेपर के कोई ऐसी व्यक्ति ले जाता है उसको जब्त कर लिया जाए। हम लोगों ने कार्रवाई किया है आयकर की टीम। एमएस इंफो प्राइवेट लिमिटेड ये कसगन कहाँ कहाँ तक पैसा ले जाती है, क्या क्या की काम हो सकता है? जी जी स्टैटिक टीम को जी जी क्या है मामला? उसमें हमारा कस्टोडियन जो है ऑफिस से कैश हमारा सीआरए कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा।